23 फरवरी साल 1881 में महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह का जन्म पंजाब के जालंधर शहर में हुआ। अजीत सिंह शहीद भगत सिंह के चाचा थे। भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन पर उनके चाचा का गहरा प्रभाव रहा। साल 1907 में किसान कानूनों के खिलाफ चलाया गया पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में ही हुआ। इस आंदोलन के चलते अंग्रेज सरकार ने लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को 6 महीने के लिए बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया था। अजीत सिंह पंजाब के उन पहले आंदोलनकारियों में से एक थे जिन्होंने खुले तौर पर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी थी। अजीत सिंह ने भगत सिंह के पिता किशन सिंह के साथ मिलकर भारत माता सोसाइटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेज विरोधी किताबें छापनी शुरू कर दी। अजीत सिंह ने दुनिया भर में घूमकर क्रांतिकारियों को संगठित किया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 की वह सुबह भी आई जिसके लिए उन्होंने इतने साल संघर्ष किया, जिस आजादी की राह में उन्होंने अपने भतीजे भगत को भी खो दिया था। लेकिन आजादी के उस जश्न को वह बाकी लोगों की तरह मना पाते उससे पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थीं। सरदार अजीत सिंह का भारत की आजादी के दिन ही 66 साल की उम्र में निधन हो गया।